16 देखिए, यहाँ पे एक बिंदु दी गई है, इससे जाते हुए तल का समीकरण ज्ञात करें जो तल इतना के समांतर है, इस तल के समांतर है और इस बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तल तल वेक्टर आर डॉट टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप प्लस में सेवन बराबर जीरो के समांतर तल का समीकरण क्या होगा, समांतर तल का समीकरण क्या होगा। तो किसी तल के समांतर तल का समीकरण निकालने के लिए बस आपको कॉन्सेप्ट में खाली चेंज कर देना होगा। तो वेक्टर आर डॉट टू आई कैप माइनस का थ्री जे कैप और प्लस का फाइव के कैप प्लस में के बराबर में जीरो, इस तल के समांतर तल का समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि चूंकि तल बिंदु तीन चार कॉमा माइनस एक से गुजर रहा है, गुजर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस बिंदु का, इस बिंदु का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, थ्री आई कैप प्लस का फोर जे कैप और प्लस का सॉरी माइनस का के कैप, माइनस का के कैप होगा। और यह स्थिति सदिश इस सदिश को संतुष्ट कर, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, यानी कि वेक्टर आर जगह यह रख सकते हैं थ्री आई कैप प्लस का फोर जे कैप माइनस का के कैप डॉट 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप प्लस में कांस्टेंट k बराबर में 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 6 माइनस का 12 और माइनस का 5 प्लस k बराबर में 0। यहाँ सॉल्व करते हैं तो 12 और 5 17 और 17 में से 6 चला जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा प्लस k बराबर 0, यानी k का मान यहाँ से 11 आ गया, के का मान क्या हो गया 11 हो गया। इसलिए 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 तल का समीकरण या समतल का जो समीकरण है वह क्या हो जाएगा, ये वाला लिख देंगे वेक्टर आर डॉट टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस का फाइव के कैप और इस के जगह पर, इस कॉन्स्टेंट के जगह पर क्या आ जाएगा 11 बराबर में 0, ये आपके समतल का समीकरण हो जाएगा। चलिए अगला।